ये है ग्लोरियस कुकिंग विद साइमा। मैं बना रही हूँ आज छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा, तो ये मैं उनकी डो बनाने लगी हूँ। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैदा चाहिए क्योंकि ज़्यादा मुझे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो ये 1 kg मैंने ले लिया है वहाँ, यहाँ मैदा 2 tablespoon तकरीबन है, ये नमक 1 sachet है ये ईस्ट का, और एक अंडा डालूँगी, 1 cup है दूध, और तकरीबन 3 से 4 tablespoon हम डालेंगे इसमें ऑयल, और ये है मैंने ले लिया है नीम गर्म पानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैं इस डाल दिया, यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, और ये मैं डाल दूँगी इसमें अंडा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ऑयल आप पहले डालना चाहे पहले डाल लें, या फिर बाद में भी हम डाल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा पहले डालूँगी, थोड़ा सा मैं डो नीट करने के लिए बाद में डालूँगी। चलो ये काफ़ी है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पे ले लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे। पानी थोड़ा सा नीम गर्म लेना है ताकि हमारी डो जल्दी से राइज हो जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है थोड़ा, तो इसलिए हम यहाँ दो हमारी मिक्स हो चुकी है, और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए गूंद लेंगे। अच्छे से गूंद लेंगे। चलिए यहाँ हम थोड़ा सा और डालेंगे इसको नीट करने के लिए। ये तकरीबन हमारी डो बन चुकी है, इसको हम नीट कर लें। ये हमारी डो बन चुकी है, इसको हम रख देते हैं 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। तो चले व्यूअर्स, हम मिलते हैं 2 घंटे के बाद, जब तक मैं उसकी टॉपिंग तैयार करती हूँ पिज़्ज़ाज़ की, तो फिर हम मिलते हैं 2 घंटे के बाद। चले व्यूअर्स, ये देखें यहाँ डो हमारी राइस हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से हो गई है, फूल गई है बिल्कुल। 2 घंटे के बाद इसको हम इसकी हम हवा निकाल देंगे अच्छे से। यहाँ हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, इसको हम इसके ऊपर निकाल लेंगे, इसको हम थोड़ा सा गोल सा करके इसको हम बेल लेंगे।
इसको हम ज़्यादा सारा ऐसे फैला लेंगे, बेल लेंगे। ये देखें, ये मैंने एक टिफ़न ले लिया है छोटा सा प्लास्टिक का, इसके साथ मैं ऐसे काटती जाऊंगी बड़ा सा बेल के, और छोटे छोटे पिज़्ज़ास की ये तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसको उठा के आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता यूँ ऐसे, यहाँ मैंने ट्रे में बटर पेपर बिछा लिया था ओवन की ट्रे में, तो यहाँ हम आराम से इसको रखते जाएंगे ऐसा ऐसा करके, जितने इसमें आगे हम इसमें बना लेंगे, ये थोड़े थोड़े फासले से रखने हैं। ये देखिए ऐसे हम आराम से इनको रखते जाएंगे, ये तीन इसमें आ गए, देखिए इतने फासले से, ताकि थोड़ा सा ये रख दिए हैं इसमें सारे, इसमें आठ नौ आ गए हैं, नौ आ गए हैं इसमें, तो इस पर हम वो पिज़्ज़ा लगाएंगे, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। चलिए मीज़, जो मिनी पिज़्ज़ास के लिए जो ना इंग्रीडियंट्स हमारी होगी, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो हैं दो टमाटर लिए हैं मैंने, इनको चॉप कर लिया है, दो शिमला मिर्च लिए हैं, इनको भी चॉप कर लिया है, चिकन मैंने लिया था आधा किलो, तो उसको मैंने ना उस स्टाइल में तिक्का स्टाइल में थोड़ा सा ना ड्राई करके ना कर इनको बोटियों से वो अलहदा कर लिया था हड्डियों से, और प्याज लिया है मैंने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का, तो इसको हम अलहदा अलहदा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो जो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ें लगी हुई होती है ना वो उतार के फेंक देते हैं, तो इसलिए हम उसकी ना थोड़ी सी टॉपिंग सी बना लेंगे। तो यहाँ हमने दो टेबल स्पून मैंने ऑयल गर्म कर लिया है पैन में, तो हम इसमें अब डालेंगे प्याज, थोड़ा सा सौते सा कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक मिनट के लिए हमने इसको टाइम देना है, ताकि ये लाइट पिंक सा हो जाए, ना इसमें कच्चापन रहे और ना ही ये ज़्यादा गल जाए। यहाँ मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसमें कच्चा पन ना रहे। स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा नमक है हाफ टी स्पून, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाल लिया था इसलिए थोड़ा सा कम डालूंगी, हाफ टी स्पून ये हल्दी पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, और ये काली मिर्च का पाउडर है। बच्चों के लिए ये बन रहा है तो ज़्यादा इसमें स्पाइसी वगैरह सॉसेज वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, बस लाइट सा बना रही हूँ। यहाँ मैं इसमें साथ ही चिकन ऐड कर दूँगी, चिकन को थोड़ा सा मैंने टिक्का स्टाइल में कर दिया था, इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था, थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल के मैंने हल्की आंच पे रख दिया था पैन में, वो हल्की आंच पे ड्राई हो गया था। मैंने लिया है, यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें मैंने एक चम्मच भर के मैदा डाल लिया था, इसको मैंने मिक्स कर लिया था, ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है वो अक्सर पानी छोड़ देते हैं जब हम टॉपिंग बनाएं ना किसी चीज़ की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें। अब हम इसको हल्की आँच पे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे,
फिर हमारी फिलिंग जो है मिनी पिज़्ज़ा की ये रेडी है। ओके यहाँ ये मैंने इधर लगा दिया, इनके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है, तो अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे मोज़रेला चीज़, ये मेरे पास ग्रेट किया हुआ है। ऐसे हम सब पे लगा लेंगे हमारी फिलिंग। यहाँ ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ना फैलाते जाएंगे और दबाते जाएंगे सबके ऊपर, ऐसे हम थोड़ी थोड़ी करके। ये ऐसे हम ऊपर डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम ऐसे फैला के यूँ ऐसे दबा देंगे, ऐसे ऐसे। यहाँ मैंने सारी इसकी ना टॉपिंग इनके ऊपर लगा दी है, अब हम इसको लगाएंगे, रखेंगे ओवन में 5 से 10 मिनट के लिए। वन एटी पे 200 पे रखा है मैंने, ये है इसकी। ये हमारे ओवन में तैयार हो गए हैं और ये हमारे तवे पे तैयार हो गए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।